गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर द एनमी फ्रॉम द पेज ऑफ 40, पेज नंबर 40। एंड बिफोर टीचिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू ऑल द प्रीवियस स्टोरी। सदा और हाना जब उस एनमी का ट्रीटमेंट करते हैं और सदाओ जब उसकी बुलेट को निकाल देता है, तो सातवें दिन, यस्टरडे आई टोल्ड यू ऑल, सातवें दिन दो चीजें होती हैं। एक तो सारे नौकर घर को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरा जनरल तकीमा के यहाँ से एक सोल्जर आता है, उसको देखकर हाना इतना डर जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये सादाओ को अरेस्ट करने आया था। नाउ आई स्टार्ट। हाना सेज, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सैड। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of. ये एक मुहावरा है, underline it. I must के बाद जो words है, get rid of. Get rid of का मतलब था छुटकारा पाना। This man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. All of you know very well that Hana was the love of Sadhav. And when he saw pain in the eyes of her love, then he promised to his own wife then that day he must get rid of from the enemy. कि आज मैं तेरे लिए, तुम बहुत परेशान हो, मैं इस एनमी से छुटकारा पा लूंगा, परेशान मत हो, बस आज की बात। अब अगले पैरा में क्या है, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि सादाओ, ये पूरा पैरा चेंज हो जाता है। सादाओ जो है वो जनरल तकीमा के घर पे है और वो पूरी स्टोरी जो है वो जनरल तकीमा को बता देते हैं। इट इज द ट्रू पेट्रियटिज्म ऑफ सादाओ फॉर हिज मदरलैंड। स्टिल ऑल ऑफ यू हैव सीन हिज प्रोफेशन। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसन, सो फ्यू जैपनीज हैव। प्रिंसन ए नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। जनरल तकीमा कहते हैं जैसे आपने प्रिंसन यूनिवर्सिटी में डिग्री ली है, वैसे मैंने भी ली है और वहां पर ये ह्यूमैनिटी वाली चीजें सिखाई जाती हैं, इसीलिए आपने ये सारा काम करा और मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी सादाओ सैड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस। सादाओ सैड टू जनरल तकीमा दैट ही नेवर माइंड अबाउट दैट एनमी, बट बिकॉज ऑफ ही इज अ डॉक्टर, सी ही वर्क्ड हिज वेल। उसने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से किया क्योंकि वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो उस एनमी के बारे में कोई सेंटिमेंटल नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स जुड़ी हुई नहीं है। यस यस द जनरल सैड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। To me, immediately, you can save anyone. So you are so scared. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. जनरल सकीमा कहते हैं कि मैं आपकी लॉयलिटी को अच्छी तरीके से जानता हूं और आप जैसे लोग बहुत ज्यादा वफादार होते हैं और आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। आपने मुझसे बोला था कि मेरे लिए एक अटैक और आएगा, देखो आज अटैक आ गया और मैं बच गया, लेकिन आपने कहा था मैं बच जाऊंगा और मैं बच गया, इसीलिए मैंने आपको वॉर में नहीं भेजा। मैं किसी दूसरे पर उतना बिलीव नहीं कर सकता जितना मैं आप पर करता हूं। नॉट मोर देन वन सादाओ सैड। सादाओ का सर अब आप ठीक से रहिएगा, आप और अटैक आया तो नहीं बच पाएंगे। देन करंटली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो बोले सही है, अगर मुझे एक और अटैक आएगा तो समझ लीजिए मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जनरल सैड विद एंग्जायटी, हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। इट बिकेम क्रूअल, एकदम से क्रूअल फीलिंग आने लगी उसके चेहरे पर। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड जनरल, जनरल सैड क्लोजिंग हिज आईज। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। देखिए इस पैरा में जनरल तकीमा क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि तुमने जो काम किया है वो बिल्कुल ऐसे काम किया है कि तुम्हें अभी फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुमने देशद्रोही वाला काम किया एक दुश्मन को मदद करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये
आपको हैंग करवा दूं, फांसी पे लटकवा दूं। अब आप कह रहे हो कि एक और अटैक आएगा, कल ही मुझे आपकी जरूरत पड़े और आप जैसा डॉक्टर मेरे पास नहीं है तो आप तो मरोगे ही, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा क्योंकि आपको मैं मार चुका हूं, इसलिए आपको किसी भी कीमत पर मैं बचा कर रखूंगा, किसी भी कीमत पर मैं आपके साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो सादाव बोला, देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सादाव सजेस्टेड। सादाव ने कहा, सर जापान में और अच्छे सर्जन्स तो हैं। इन द नेक्स्ट लाइन जनरल तकीमा सेज दैट ही नेवर बिलीव्स ऑन देम, लेकिन वो उन पर भरोसा नहीं करता है। नन आई ट्रस्ट द जनरल रिप्लाई, द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाइड, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ही साइड, उसने आह भरी, बोले चाहे वो कितने भी अच्छी तरीके से ऑपरेशन करें और मैं मर जाऊं, लेकिन मैं फिर भी उनकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं करता। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। It seems a pity that we cannot better combine the general ruthlessness with the American sentimentality. देखिए, Americans लोग थोड़े sentimental माने जाते हैं और Japanese लोग थोड़े दुष्ट टाइप के माने जाते हैं, कि Japanese आर्मी वर्ल्ड में बहुत ही क्रूअल आर्मी मानी गई है। American आर्मी का मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ कि उनका अगर एक सोल्जर किसी दुश्मन के हाथ में पड़ जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिकन आर्मी चाहे कितना भी पैसा खत्म हो जाए, करोड़ों रुपए खत्म हो जाए, उस अपने एक सोल्जर को बचाने की कोशिश करेगी। ये सेंटीमेंट्स हैं अमेरिकन आर्मी के, वो ये नहीं देखेंगे अरे एक सोल्जर की क्या कीमत है, ये जो करोड़ों खर्चा होगा। जबकि दूसरे कंट्रीज की आर्मी में ऐसा होता है कि एक सोल्जर मर गया या किसी दुश्मन आर्मी ने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा भी, वो ये देखते हैं कितना खर्चा आएगा, कितने दूसरे सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अमेरिका के साथ नहीं होता है। तो वो ही यहाँ पर जनरल तकीमा कहते हैं कि देखिए, हम लोग दुष्ट माने जाते हैं तो दुष्ट सही, वो सेंटीमेंटल माने जाते हैं तो सेंटीमेंटल सही, तो अब हम सेंटीमेंटल नहीं हो सकते, और ये दो क्वालिटीज आपस में कभी भी मिल नहीं सकते, और आप भी मिलाने की कोशिश मत करिएगा। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और जनरल तकीमा सादाव की क्वालिटी को ये बताते हैं, जब आप एक अपने दुश्मन को नहीं मार सके तो जब मेरा ऑपरेशन करोगे तो आप मुझे क्या मारोगे, भले ही आप मुझसे चिढ़ते हो या कुछ भी हो, आप कभी मुझे मार नहीं पाओगे। इसी चीज को मैं आपकी इसी क्वालिटी को बहुत लाइक करता हूं। द जनरल लाफ, जनरल हंसने लगा, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसे असाधारण मजाक करने की आदत थी, ऐसी मजाक करता था। एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। और उसने एक बार फिर से सादाव को सजेस्ट करा, एक जैपनीज के रूप में ये विदेशी क्वालिटीज को आप कंबाइन करने की कोशिश मत करिएगा। सादाव स्माइल, सादाव मुस्कुराया, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सैड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। बोला, सर मैं, मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे वास्ते मैं थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करूंगा। द जनरल शूक हिज हेड, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस। बोले, हम टेस्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, हम करने में भरोसा रखते हैं। He said he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over South Pacific. देखिए, जनरल तकीमा जो था वो क्रूअल माना जाता था, लेकिन अपने देश के लिए वो बहुत लॉयल था, और अपने देश को पूरे साउथ पैसिफिक में, दक्षिणी महासागर में, उसने अपने देश की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने देश को या अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं में जनरल तकीमा था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वाज अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेटेडली। इरिटेबली का मतलब होता है चिड़चिड़ेपन से, परेशानी। बोले, अरे यार प्रॉब्लम ये है यार, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ये
एनमी तुम्हारे ही घर के सामने गिरा, अरे कहीं दूर जाके मरता। अब मैं इसको ओपनली अगर मैं अरेस्ट करवाऊंगा तो तुम तो फंसोगे ही, मैं भी फंसूंगा, क्योंकि मेरे आपसे पर्सनल रिलेशन है, आप मेरा यहाँ पर्सनल ट्रीटमेंट करने आते हो। मीडिया में आ जाएगा कि ये देखिए दोनों लोग देशद्रोही हैं, देश को बेच रहे हैं, इस तरह से। तो उन्होंने कहा अब हम इसको पब्लिकली अरेस्ट नहीं करवा सकते। आई फील इट सो माई सेल्फ, सादाओ सैड जेंटली। सादाओ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया, बोले सर मैं भी समझता हूँ कि यार ये हमारे घर पे आगे गिरकर हमको मुसीबत में डाल दिया है। इट वुड बी बेस्ट इफ वी कुड बी क्वाइटली किल्ड, ये अच्छा होगा अगर हम इसको चुपचाप मरवा दें। द जनरल सैड नॉट वाई, आप नहीं मारोगे, बट वाई समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन ऐसा इंसान मारेगा जो उसको जानता ही नहीं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स, असासिन्स का मतलब होता है किलर्स। तो जनरल तकीमा बोला मैं अपने कुछ पर्सनल असासिन्स रखता हूँ जो मेरे कहने पर किसी का भी कत्ल कर देते हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, आज रात या कल रात मैं भेजता हूँ, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, इट इज नाउ वार्म, वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। इन दिस पैरा जनरल तकीमा वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब दैट इट इज अ वार्म टाइम, थोड़ा गर्म है एटमोसफियर, देन सादाओ शुड लीव ओपन ऑल द डोर्स ऑफ हिज हाउस सो दैट वेरी इजीली असासिन्स मे कम इन हिज हाउस एंड मर्डर हिम। उसने कहा कि आप अपने घरों के दरवाजे और खासकर वहां तक के दरवाजे खोल दीजिएगा जहां तक उस एनमी का कमरा है, जिससे किलर्स आए उसको मारें और आपका काम आसान कर दें। उसने एक कोड भी दिया कि अगर आपके फैमिली में अगले दिन कोई उस एनमी को ना देखे तो समझ लेना, आप ये बोल देना कि वो भाग गया। भागने का मतलब ये है कि एनमी को असासिन्स ने मार डाला, वो बात सिर्फ मैं जानता हूं और आप जानते हो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सादाओ एग्रीड, इन फैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, वैसे भी हम अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं। गुड, द जनरल सैड यानी, अब जनरल को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। दे आर वेरी कैपेबल असासिन्स, बहुत ही होशियार किलर्स हैं वो। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। जनरल तकीमा ने कहा ये इतने होशियार असासिन्स हैं कि ये जब घाव देते हैं तो उसका ब्लड बाहर नहीं आता, उस मरने वाले का ब्लड उसकी बॉडी में ही जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ते। If you like, I can even have them remove the body. अगर आप चाहो तो मैं इसकी बॉडी को रिमूव भी करवा दूं। तो सादाओ इसके लिए और एग्रीड हो गया। क्यों एग्रीड हो गया? तो उसकी जो वाइफ आना थी थोड़ी डरपोक टाइप की थी, उसने कहा अगर वो मरे हुए इंसान को देखेगी तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगी, इसलिए इसकी डेड बॉडी भी वहां से हट जाएगी तो ज्यादा बेटर है। सादाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, एक्सीलेंसी ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ फाना ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इट वुड बी सुटेबल फॉर हिम हिज फैमिली एंड हिज लाइफ कैरियर। ही वुड टेल हाना नथिंग, हाना को कुछ नहीं बोलेगा, सिंस ही शी वुड बी टिमिड, क्योंकि वो थोड़ी डरपोक टाइप की थी, एट द आइडिया ऑफ असासिन्स इन द हाउस, एंड येट सर्टेनली सच पर्संस वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वाज, और ऐसे किलर्स जो हैं वो जापान जैसे देश में जरूरी भी थे। आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जितना भी बड़ा नेता होता है, हायर रैंक का जर्नल हुआ कोई भी हुआ, ऐसे कुछ पर्सनल किलर्स को रखते हैं खासकर उन लोगों को मारने के लिए जो लोग उनकी बात को मानते नहीं है, और ऐसा ही जापान में भी होता था। ही रिफ्यूज टू अलाउ थिंग्स बट रीजन टू बी द एटमोस्फियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड एंड प्रीपेयरिंग टू गो टू द गार्डन। बिफोर गोइंग इन टू हिज रूम ही थॉट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड एग्जामिन दैट एनमी। It was
the loyalty of Sadhava for his profession, and before it all of you have seen the loyalty of his motherland. देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में कई बार आया है कि हाउ डज Sadhava मेक बैलेंस बिटवीन हिज लॉयलिटी टू हिज कंट्री और हिज प्रोफेशन, कि अपने प्रोफेशन के बीच में और अपने मदरलैंड के बीच में वो कैसे बैलेंस करता है. तो इसका आंसर सीधा सीधा ये होगा कि एज अ डॉक्टर उसे ये मतलब नहीं है कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, और एज अ जो पेट्रियट एक देशभक्त के रूप में वो सारी चीजें अपने सीनियर को बता देता है. अब अभी वो उसकी जिंदगी का सौदा करके आया है जनरल तकीमा से, लेकिन वो जैसे ही उसको एज अ पेशेंट देखता है तो देखिए क्या होता है. व्हाट इज दिस He exclaimed, "Who gave you permission to leave your room?" जब उसने देखा कि हम ये एनिमी रेडी टू गार्डन था, गार्डन की ओर जा रहा था, तो उसने कहा रहे क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, तुम्हें किसने परमिशन दी, आप खड़े हो गए और बगीचे में जाने की कोशिश कर रहे हो. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गैली. गैली का मतलब होता हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी कहा कि अरे मुझे परमिशन की क्या जरूरत है. गॉश, गॉश का मतलब होता है सरप्राइज. I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? बोले कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बॉडी में एनर्जी आ रही है, और लेकिन इस साइड की जो मसल्स है वो थोड़ी सख्त है. ये बात सुनकर आप ये देखिए कि उसका जो प्रोफेशन है उस पर फिर हावी हो जाता है. एकदम से वो एनर्जी की ये जो शर्ट है ऐसे हटाता है, ऐसे ऐसे हटाता है और उसके यहाँ पे घाव को एग्जामिन करने की कोशिश करता है. वो बिल्कुल ये भूल गया कि ये मेरा एनमी है, ये मेरा एक दोस्त नहीं है, और अभी अभी जनरल तकीमा से मैं इसकी मौत का सौदा करके आया हूँ. ये था उसका प्रोफेशन जो उस पर हावी हो जाता था और वो सारी चीजों को क्या हो जाता था, भूल जाता था. इज इट सो, बोले क्या ऐसा है. Sadhava inquired surprised. He forgot all else. वो सब कुछ भूल गया. Now I thought I had provided against that. He murmured. He lifted the edge of the man's shirt. ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ऐसे शर्ट उठाई. And gazed at the healing. Healing का मतलब होता है कि सही होना. Scare. और उस सही होते हुए घाव को देखा. मसाज मे डू इट ही सैड इफ एक्सरसाइज डज नॉट. बोले अगर तुम ऐसे एक्सरसाइज ना कर पाया करो तो हल्का ऐसे 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 क्या कर लिया करो, रगड़ लिया करो. इट वुड नॉट बोदर मी. बोदर का मतलब होता है परेशान. तो वो पेशेंट ने, वो एनमी ने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं, मुझे इतनी परेशानी इससे नहीं होती है. द यंग मैन सैड हिज यंग फेस वाज गॉन. उसका पतला सा चेहरा था. द स्टबली बिल्कुल लाइक पिन की जैसा. ब्लॉन्ड बियर्ड, लाल रंग की दाढ़ी थी. से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से यू टू. मैं डॉक्टर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ आई हैड नॉट मेट यू जैप, जैप मतलब जैपनीज, लाइक यू वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे, आई नो दैट. बोले अगर मैं तुम जैसे जैपनीज से नहीं मिला होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता. Sadhava बोल्ड बट ही कुड नॉट स्पीक. Sadhava ने उसकी रिस्पेक्ट में ऐसे झुका लेकिन वो बोला नहीं. Sure, I know that. बोला हाँ बिल्कुल सही है. Tom went on warmly. Tom लगातार बोलता गया. His big thin hands gripping a chair were white at the buckles. Buckles का मतलब था बैक साइड से. जैसे ये कुर्सी है, ये उसका जो पतला हाथ था उसने ऐसे इसको पकड़ा ऐसे उसके ऊपर बैठने के लिए. They would not have been a war. कि अगर तुम जैसे जापानीज होते तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वर्ल्ड वार में अमेरिका ने किसी भी देश में हिस्सा नहीं लिया था. दूसरे देश हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, जापानीज, जर्मनी ये लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका नहीं लड़ रहा था. जापान ने पर्ल हार्बर पर जो अमेरिका का हवाई अड्डा था, वारशिप थे, उस पर अटैक करा था, जिसकी वजह से हजारों सैनिक मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे. तो अमेरिका ने फिर कहा कि जब आपने हमारे ऊपर अटैक करा, हमने तो आपके साथ कुछ करा ही नहीं था. तब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे जिसमें लाखों लोग मारे गए थे. नाउ आई कम टू द पॉइंट.
ये आपकी सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए था। तो वही बात जब ये टॉम कहता है कि शायद तुम जैसे सारे अगर जापानीज होते तो ये लड़ाई नहीं होती। Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better to back to bed. तो सादाओ ने कहा हाँ शायद मैं भी ऐसा समझता हूँ अब आप बिस्तर पर लेट जाओ वो ज्यादा बढ़िया। He had the boy back into bed and then woke. Good night, he said. उसने उसको बिस्तर पर लेटाया और वहां से चला गया। Stood Sadao slept badly that night. अब देखिए सादाओ की परेशानियां शुरू होती हैं, वो किसी भी रात सो ही नहीं पाता है क्योंकि हर रात उसको ऐसा लगता है एनिमी आए और सादाओ को मारकर उसकी डेड बॉडी ले जाए, POW जो हमारा टॉम है उसको मारकर उसकी डेड बॉडी को ले जाते। सादाओ स्लेप्ट वेडली दैट नाइट, टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड अ बिग ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन। उसे लगता कि टहनी टूटी, उसे लगता कि बगीचे में किसी ने पत्थर फेंका तो वो बार बार उठ जाता था। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हू कैरीड ए बर्डन, और उसे ऐसा लगता कि कुछ लोग एक वजन को खींच कर ले जा रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, सबसे पहले जैसे ही उठा तो वो POW के कमरे में गए। इफ द अमेरिकन वर गॉन He then could simply tell Hana that so the general had directed. और उसने कहा अगर ये इसकी डेड बॉडी को ले गए होंगे तो जैसा जनरल ने मुझे बोला कि एनिमी भाग गया तो मैं बोलूंगा एनिमी भाग गया। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. वही लाल रंग के बालों वाला सर आराम से वो सो रहा था, टॉम सो रहा था। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hana. बोले अरे यार ये तो सो रहा है। He is almost went to sleep like that. तो हना ने कहा हाँ ये हमेशा ऐसे ही सोता है। What shall we do with him? Hana whispered her old friend. Friend का मतलब होता है head complaint. तो हना ने कहा तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ इसका? तुम्हें तो कुछ कर नहीं मिलता, इसको हटा नहीं मिलता। इस तरह हाना ने इरिटेबल मैनर में कहा क्योंकि नौकर तो छोड़ के जा चुके थे, एक उसका डर, दूसरा खाना बनाना, तीसरा बच्चों को देखना, तो वो परेशान हो चुके थे। सादाओ सुगेज एट आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रॉमिस। सादाओ ने कहा प्लीज प्लीज शांत रहिए, एक दो दिन की बात है, ये चला जाएगा। बट सडनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट देयर रोज विंड एंड नाइट and he listened to the sound, the bleeding, bending verbs and whistling partitions. उस रात में ऐसा हुआ, उसे ऐसा लगा टहनियां झुक रही हैं, कोई वजन को लेके जा रहा है, कोई उसके घर में कूद रहा है, ऐसे सपने आते थे उसको। हाना woke to, हाना भी जाग गई। At we not to go and close the sick man's partitions? He asked. तो हाना ने पूछा कि भाई ठंड ज्यादा है, बरसात भी हो रही है, क्यों ना हम उसके खिड़की दरवाजे सब बंद कर दें एनिमी के। अब बाहर निकलने का मतलब ये है अगर उन किलर्स के सामने अगर हाना भी पड़ गई तो वो उसको भी मार डालते। नो सादाओ सैड ही इज एवन नॉट टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। तो सादाओ का नहीं, अब वो इतना समर्थ हो चुका है कि वो अपने दरवाजे खुद बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द विंड चेंज to quiet rain and the garden was full of sound of dripping leaves. Leaves मतलब था छज्जा। अब तीसरी रात में देखिए क्या हुआ, अब तो मौसम बहुत खराब था, बहुत ही तेज पानी गिर रहा था छज्जों से, झरनों जैसा, कुछ छज्जे जो होते हैं बालकनी वहां से झरने जैसा पानी गिर रहा था। एंड रनिंग स्प्रिंग, और ऐसा लग रहा था वाटरफॉल हो रहा है। सादाओ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, लेकिन सादाओ इस रात भी नहीं सो पाया। But he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. तभी अचानक धड़ाक से आवाज हुई और वो उठकर बैठ गया। What was that? ये आवाज कैसी थी? हाना cried, हाना चीखी। The baby woke at her voice and began to wail. Wail का मतलब था रोना। उनके बीच में जो बच्चा था वो उठ के बैठ गया और रोना शुरू कर दिया उसने। I must go and see. तो हाना बोली कि मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये क्या आवाज थी वहां। But he held her and would not let her move. अब सपोज दैट हाना यहाँ पर खड़ी हुई यहाँ पर और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, सादा बैठा है, तो उसको वो हाना को इस तरह से उसको कमर के ऐसे करके कस के पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है,
और कहता है नहीं नहीं बाहर, वो बहुत डरा हुआ था, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, क्योंकि उसे पता था कि बाहर जाने का मतलब है एनिमी होगा, वो एनिमी जो है उसकी बॉडी को ये किलर्स ले जा रहे होंगे और वो किलर्स रास्ते में जिसको देखेंगे वो उसको भी मार देंगे। तो उसने हाना को कस कर पकड़ लिया, हिलने नहीं दे रहा। तो हाना उसकी ऐसी कंडीशन को देख के बहुत ही सरप्राइज हो गई, थोड़ी डर भी गई। His terror infected her and she stood breathlessly, और वो बिल्कुल सांस रोक के खड़ी हो गई। Waiting there was only silence, क्योंकि इंतजार करने लगी कि शांत हो जाए पूरा एटमॉस्फेयर। Together they crept back into bed, the baby between them, और दोनों रजाई में सो गए और बच्चे को अपने दोनों के बीच में उन्होंने क्या कर लिया, सुला लिया। Yet when he opened the door, अब देखिए जब उन्होंने इस दिन भी सुबह जैसे ही दरवाजा खोला, the guest room in the morning there was a young man, he was very gay and had already washed and was now on his feet। देखिए ये दाढ़ी बना ली थी उसने, नहा लिया था और बिल्कुल बहुत ही हेल्दी लग रहा था। He had asked for a razor yesterday, क्योंकि कल उसने रेजर के लिए कहा था, रेजर दाढ़ी बनाने वाला है उस तरह, and had shaved himself and today there was a faint color on his cheeks, जब शेव बन गई थी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लो आ रहा था उसके। I am well, he said joyously, उसने बड़ा खुशी खुशी बोला, देखो मैं तो बिल्कुल फिट हो गया डॉक्टर। सादाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, अब देखिए कितना सरेंडर था सादाव, वो जो लूज गारमेंट पहना था सादाव उसने अपना उतारा और उसकी बॉडी पर पहना दिया, बोले ठंड लग जाएगी अभी, तुम बहुत कमजोर हो। He could not, he decided suddenly go through another night. अब सादाव ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो और इंतजार किलर्स का नहीं कर सकता, अब इसको अपने घर से भगाना पड़ेगा। No, simply it was not worth the strain. और ऐसा वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं कह रहा था, डेंजर की वजह से कह रहा था कि हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा था, कोई भी देख सकता था उस एनिमी को। You are well, Sadhav agreed. Sadhav ने कहा अब तो बिल्कुल ठीक हो। He lowered his voice, उसने हल्की आवाज में बोला, You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. बोले तुम इतने ठीक हो, अगर मैं आज की रात एक छोटी सी नाव में खाने का सामान, पीने का पानी और दूसरी चीजें रख दूं, तो वो सामने जो आइसलैंड दिख रहा है लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है छोटा सा, वहां तक ले जा सकते हो तुम और चले जाओ। इट इज सो नियर द कॉस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग डिफेंस। बोले ये बहुत ही पास है, तुम वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि वहां पर आपको ढूंढ लिया जाएगा। Nobody lives on it because in a storm it is submerged. Submerged का मतलब डूब जाना। बोले बरसात के दिनों में ये समुद्र में डूब जाता है लेकिन अभी ऐसा नहीं है। But this is not the season of storm, लेकिन ये वो सीजन नहीं है कि तूफान आते, तूफान के टाइम में डूब जाता है। You could live there until you saw a Korean fishing boat. Korean fishing boat को इंस्ट्रक्ट करता है कि वहां से कोरिया के सिर्फ गुजरते हैं क्योंकि कोरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम साउथ कोरिया इज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका। फिशिंग बोट पास बाई, दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फेदम डीप देयर। बोले वहां पर पानी बहुत गहरा है, वहां से बिल्कुल पास से गुजरते हैं और तुम कोरियन फिश शिप पर बैठ के चले जाना। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू आई आस्क, और उसको बहुत ही परेशान था, बोला क्या मुझे जाना पड़ेगा। आई थिंक सो, सादाव बोला हाँ जाना पड़ेगा। सादाव सैड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर। तो सादाव ने कहा कि देखिए आपको इसलिए जाना पड़ेगा कि ये हाइडिंग प्लेस नहीं है और यहाँ पर आपका होना आपको तो डेंजर से भरा हुआ है ही, हम लोगों के लिए भी बहुत खतरा है, कभी भी कोई हमको अरेस्ट कर सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं, ये इसलिए बहुत अच्छा है कि आप आज की रात सामने वाले आइसलैंड पर यहाँ से चले जाएं। थैंक यू।